हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 to 12 पॉलिटी की NCERT सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th बुक 1 का NCERT पॉलिटी का, जिसमें हम अपना आज कवर करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 11th के भी चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक वो मेरे लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हर क्लासेस के सेपरेट प्लेलिस्ट बने हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, लोकल गवर्नमेंट्स। जैसा कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स हमारे बहुत प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, कितने तरीके के लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, किस किस स्टेज पे होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, आज हम इस चैप्टर में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती हैं, इसमें कितनी सारी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, कितनी लड़कियों के लिए होती हैं, कितनी SC ST के लिए होती हैं। तो हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT के नोट्स चाहिए होंगे, हैंड रिटन नोट्स परचेस करने होंगे, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आपको UPSC से रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्या क्या समझ जाओगे। ठीक है, आपसे ये मतलब एक तरीके से समझा जाता है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ये चीज़ें समझ जाओगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्या इम्पॉर्टेंस थी उसकी हमारे लाइफ में। द प्रोविजन्स मेड बाई 73rd and 74th अमेंडमेंट। ठीक है, ऐसे कौन से अमेंडमेंट, 73rd और 74th अमेंडमेंट में कौन कौन से प्रोविजन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, जब ये वीडियो देख लोगे तो आप ये सब समझ जाओगे अच्छे से, आपको इसके बाद इन चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर बताया है वाई लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास तो इतनी सारी गवर्नमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट, तो हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डजेंट द कॉमन पीपल। ठीक है, जो कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं वो क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। जो विलेज के लोग होते हैं या कोई एक पर्टिकुलर आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वो लोग क्या होते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपने विलेज, वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल भी उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, जाओगे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ही आप जाओ, आप उनसे एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में पूछोगे तो क्या उनको उतनी नॉलेज होगी उस बारे में? नहीं, उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। विलेज लेवल पे अगर कोई सरपंच, कोई पंचायत होती है तो उनको एक सिटीज़न, एक ऑर्डिनरी जो आम आदमी है, उसके डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स, उनकी दिनचर्या, हर कुछ के बारे में पता होता है। लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर असेंशियल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो ये मानती है कि जो एक लोकल लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए लोगों को और उनकी इंटरेस्ट, उनको क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें जानना हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट को रन कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक विलेज से मिलके कितने विलेज और उन विलेजों से मिलके स्टेट से मिलके नेशनल, हर कुछ क्या होता है, एक ऑर्डिनरी पीपल से मिलके स्टार्ट होता है और वो जाता कहाँ तक है, वो एक नेशनल लेवल तक जाता है। तो कॉमन लोगों के बारे में पता होना, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना, उनकी ज़रूरतों के बारे में जानना, ये क्या है, एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट माना गया है फॉर अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप किसी डेमोक्रेटिक लेवल पे क्या करते हो, अगर डिसीजन मेकिंग लेते हो तो
दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर इफिशियंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे वे में रन कराना है, इफिशियंटली वे में रन कराना है, और आप चाहते हो कि लोग आपसे फ्रेंडली रहें, एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे, ठीक है, लोगों से एडमिनिस्ट्रेटर और लोगों को क्या हो, एक फैमिली रिलेशन की तरह बना हो, ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे से शेयर कर पाएँ, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें लोकल लेवल की नॉलेज की ज़रूरत होती है और लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है द एडवांटेजेस इट इज़ सो नियर द पीपल। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि ये लोगों के बहुत करीब होते हैं, लोगों को करीब से जानते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बोथ क्विकली एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, लोगों के लिए क्या हो जाता है, ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि वो लोग लोकल गवर्नमेंट में तुरंत अप्रोच कर सकते हैं, इसके अपने अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो लोकल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि लोगों को क्या हो जाता है, वो जल्दी भी पड़ता है, लोग जल्दी भी जा पाते हैं, और उनके जो कॉस्ट होते हैं वो भी कम लगते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है डेमोक्रेसी इज़ अबाउट, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है। ठीक है, पूरी तरीके से तो डेमोक्रेसी हमारी एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है, कि लोगों का जो है वो पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट पार्टिसिपेशन कुछ नहीं हो सकता। और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर्स बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रपोज फुल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग या जो वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट होती है, वो इन दोनों चीज़ का हमें विश्वास दिलाती है कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज़ लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो, पावर्स दे रहे हो, स्ट्रेंथ कर रहे हो और डेवलप्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथ कर रहे हो। इट इज़ एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट दैट कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग देयर लाइफ, देयर नीड्स एंड अबव ऑल देयर डेवलपमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट ही वो जगह है जहाँ पे कॉमन पीपल, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, वो मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि उनको कैसा लाइफ चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the state. ठीक है, ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, ठीक है, प्रिपेयर्ड हुई थी, तो जो हमारे लोकल गवर्नमेंट थी उनकी ज़िम्मेदारी किसको दी गई थी, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही एज अ लोकल गवर्नमेंट क्या करते थे, वर्क करते थे। इट वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं एज अ पॉलिसी, कि हर कंट्री में हर तरीके की गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। अब इसमें बोला जा रहा है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट ने कैसे वर्क किया और किस तरीके से उसको अलग अलग राइट्स अधिकार दिए गए। तो बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट गॉट अ फिलिप आफ्टर 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जब हमारे यहाँ 73rd and 74th अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, उसने काफ़ी अच्छा फ्लिप लिया। फर्स्ट इन द लाइन वॉज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। उसमें पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया 1952 में, जिसका एक मतलब जिसका रिज़ल्ट क्या आया कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और इसमें क्या हुआ, लोकल डेवलपमेंट क्या हुआ, ज़्यादा दूर तक बढ़ा। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा दूर तक प्रमोट हुई। इन दिस बैकग्राउंड अ थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज़। ठीक है, इस कंटेस्ट में क्या किया गया, रूरल एरिया के लिए 3 टायर ऑफ पंचायत बनाई गई। ठीक है,
सम स्टेट्स लाइक गुजरात महाराष्ट्र अडॉप्ट दिस सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज अराउंड 1960. कुछ स्टेट्स थे जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, उन्होंने ये सिस्टम क्या कर लिया था 1960 में ही अडॉप्ट कर लिया था. आफ्टर 1987 अ थ्रू रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वॉज इनिशिएटेड. ठीक है, 1987 के बाद क्या हुआ, ये जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे इनकी फंक्शनिंग को रिव्यू किया गया. इन 1989 द पी के झुगन कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडी. ठीक है, 1989 में क्या हुआ, जो पी के झुगन कमिटी बनी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन होना ज़रूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इनलिस्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शन टू देम अलॉन्ग विथ फंड्स वॉज रिकमेंडेड. ठीक है, क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए क्या होंगे, पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे, उनको फंक्शनिंग की मतलब लिस्ट दी जाएगी कि उनके दायरे में क्या क्या चीज़ें आती है और उसके साथ उनको फंड्स भी दिया जाएगा. इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, 1989 में क्या हुआ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए. दिस अमेंडमेंट एम्स, और ये अमेंडमेंट क्यों हुए, इसका मकसद क्या था, तो इसका मकसद था ऑल इन स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि ये लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर पाएँ. इंश्योरिंग एन एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, वो क्या कर सके, इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि जो एक स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो सके और जो ऑल ओवर इंडिया कंट्री की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो, एक जैसी हो सके, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके. लेटर इन 1992 द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, 1992 में क्या हो गया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया. किसके थ्रू पास किया गया, हमारी पार्लियामेंट के थ्रू इसे पास किया गया. द 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूलर लोकल गवर्नमेंट विच आर ऑल्सो नोन एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और PRIS. ठीक है, जो 73rd अमेंडमेंट था हमारा वो किसके लिए था, वो हमारे रूलर लोकल गवर्नमेंट के लिए था, जिसको हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या PRIS भी बोलते हैं. द 74th अमेंडमेंट मेड द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट नगर पालिकास, और जो हमारा 74th अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, वो हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए था, जिसको हम लोग नगर पालिका भी बोलते हैं. द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट केम इन टू फोर्स इन 1993. ठीक है, जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट था वो फोर्स में कब आया, 1993 में. लोकल गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट किसका सब्जेक्ट होता है, वो हमारे स्टेट का सब्जेक्ट होता है. इसे स्टेट ही क्या करती है, फंड देती है, इनके फंक्शंस को बताती है. स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज ऑन हिज सब्जेक्ट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट बिल्कुल फ्री है कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फ्री है कि वो उसके अकॉर्ड इसके लिए कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है. But once the constitution was amended, the state had to change their laws about local bodies in order to bring these in conformity with the amendment constitution. लेकिन जब constitution को amend किया गया तो state को भी क्या करना पड़ा, local government से related अपने जो laws हैं उसको change करना पड़ा, ताकि वो क्या कर सके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके साथ साथ क्या करें, सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी ला सके. अब हम पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट है क्या, वो क्या कहता है. तो इसमें होता है क्या है, थ्री टायर स्ट्रक्चर होते हैं. ऑल स्टेट्स नाउ हैव अ यूनिफॉर्म थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर. ठीक है, अब हर स्टेट पर हम लोग क्या देखते हैं, तीन टायर के पंचायती राज स्ट्रक्चर हो गए हैं.
एट द बेस इन द ग्राम पंचायत, सबसे बेस पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है हमारी। दीज बॉडीज आर मंडल और तालुका पंचायत, ठीक है। इन बॉडीज को हम लोग मंडल या तालुका पंचायत भी बोलते हैं। द इंटरमीडिएटरी लेवल बॉडी नीड्स नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्मॉलर स्टेट। द अर्बन, द ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। देखो इनको हम लोग मंडल या तालुका भी बोलते हैं। इस लेवल को क्या होता है, ज़रूरत नहीं होती है कि स्मॉलर स्टेट्स के लेवल पे क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन करें। जो ग्राम पंचायत होता है वो पूरे विलेज को या एक विलेज के ग्रुप को क्या करता है, कवर करता है। एट द एपेक्स इज द जिला पंचायत कवरिंग द इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एपेक्स लेवल पे कौन होता है, दूसरे लेवल पे हमारी जिला पंचायत होती है जो कि पूरे रूरल एरिया या पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या करती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। द ग्राम सभा वुड कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया, ठीक है। और फिर जो ग्राम सभा होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे एडल्ट मेंबर से मिलके बने होते हैं, उसमें रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं जो कि पंचायत एरिया के होते हैं। इट्स रोल्स एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसके रोल और फंक्शन को कौन डिसाइड करता है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, डिसाइड करती है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में कि यहाँ के इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो ऑल द थ्री लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तीनों लेवल्स के क्या होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और वो सब क्या होते हैं, पीपल के थ्रू ही किए जाते हैं, कोई भी इनडायरेक्ट नहीं होता है। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडीज इज 5 ईयर, हर पंचायत जो चुनी जाती है वो कितने साल के लिए चुनी जाती है, कम से कम 5 सालों के लिए वो चुनी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो कम से कम 5 सालों के लिए एक पंचायत बॉडी चुनी जाती है। इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट डिजॉल्व द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ 5 ईयर्स टर्म, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ सच डिजोल्यूशन। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पंचायत को डिजॉल्व करती है, ठीक है, उसके 5 साल से पहले, तो 6 महीनों के अंदर अंदर उस डिजोल्यूशन से 6 महीनों के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ता है, नई गवर्नमेंट या नया इलेक्शन, नए फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ते हैं। बिफोर द 73rd अमेंडमेंट इन मैनी स्टेट्स देयर यूज टू बी एन इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट बॉडीज आर देयर वॉज नो प्रोविजन्स फॉर इमीडिएट इलेक्शंस आफ्टर डिजोल्यूशन, ठीक है। जैसा कि अगर जब तक 73rd अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उसके पहले क्या होता था, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करते थे, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद, क्योंकि वो लोगों के पास कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था जिसके थ्रू वो क्या कर सके, डायरेक्ट इलेक्शन कर सके, और ना ही ऐसा कोई रूल था, तो वो लोग क्या करते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करते थे। फिर है रिजर्वेशंस, देखते हैं कि एक्चुअली में पंचायती राज में रिजर्वेशंस या सीट्स किसके लिए कितनी होती हैं। 1/3 ऑफ द पोजिशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। पंचायत में जितनी भी सीट्स होंगे उसका 1/3 क्या होता है, वुमेन्स के लिए रिजर्व होता है, और ये सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में होता है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑल द 3 लेवल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इनका भी रिजर्वेशन होता है और तीनों लेवल्स पे होता है, लेकिन इनका रिजर्वेशन इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि जिस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन रहेंगी उतने सीट्स इनके लिए रिजर्व रहेंगे। If the states finds it necessary, that can also provide for reservation for the other backward classes, ठीक है। अगर states को ऐसा ज़रूरी लगता है तो वो क्या करती है, OBCs के लिए भी reservation देती है। Further reservation of 1/3 of the seats for women is not merely in the general category of seats, but also within the seats reserved for scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. ये जो 1/3 सीट होती है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती है, इसमें सीट्स रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी होती हैं।
दिस मीन्स दैट अ सीट मे बी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर अ वुमेन कैंडिडेट एंड वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व होती हैं और वुमेन्स में भी क्या होती हैं, कैटेगरी डिवाइड होती हैं. जैसे वन थर्ड सीट है तो इस वन थर्ड में भी क्या होता है, कुछ परसेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जनरल वालों के लिए क्या होता है, रिजर्व रहता है. नेक्स्ट है, डज अ सरपंच हैव टू बी अ दलित वुमेन और आदिवासी वुमेन. ठीक है, और सरपंच के लिए भी सीट रिजर्व होता है. सरपंच जो होती हैं वो भी दलित वुमेन या आदिवासी वुमेन हो सकती हैं. फिर है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट. 29 सब्जेक्ट विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 29 ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि पहले स्टेट के अंडर में आते थे, लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया, 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है. दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. और ये सब्जेक्ट्स अब किसके अंडर में आते हैं, ये हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर में आते हैं. दीज सब्जेक्ट्स वर मोस्टली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शन एट द लोकल लेवल. द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दीज फंक्शन डेवलप डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स को क्यों ट्रांसफ़र किया गया है, ताकि जो लोकल लेवल पे क्या हो सके, वेलफेयर फंक्शंस और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके. और ये एक्चुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, पूरी तरीके से इनकी फंक्शनिंग किस पे डिपेंड होती है, इसकी फंक्शनिंग हमारे स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है. फिर हमारा ईच स्टेट डिसाइड्स हाउ मैनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट वुड बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज़. ठीक है, हर स्टेट्स अपने अपने तरीके से डिसाइड करती है कि ये जो 29 सब्जेक्ट्स है उसमें से कितना उनको लोकल बॉडीज़ को और किन लोकल बॉडीज़ को कितना सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करना है. सम सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल आर. ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारे 11th शेड्यूल में क्या है, लिस्टेड हैं, उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, वाटर एंड मैनेजमेंट, वाटर यूज डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड कलवर्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़, मार्केट एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन अ पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे 7th शेड्यूल में क्या है, लिस्टेड है. द प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट वर नॉट मेड अप्लीकेबल टू द एरियाज इनहैबिटेड बाई द आदिवासीज पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये जो 73rd अमेंडमेंट है वो हमारे आदिवासीज पॉपुलेशन जहाँ पे रहती हैं, इंडिया के बहुत सारे स्टेट में जहाँ पे आदिवासीज पॉपुलेशन रहती हैं, वहाँ पे ये अमेंडमेंट क्या है, अप्लीकेबल नहीं है. In 1996, a separate act was passed extending the provisions of the panchayat system of these areas. ठीक है, 1996 में क्या हुआ, इन एरियाज के लिए एक सेपरेट एक्ट पास हुआ कि इस एरिया के भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके. Therefore, the new act protests the right to these communities to manage their resource in a way acceptable to them. ठीक है, फिर क्या किया गया, इनके लिए नए एक्ट को पास किया गया और उसी वे में पास किया गया कि जिस वे में क्या करें, ये एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि इनकी कम्युनिटी, इनके रिसोर्सेज पूरे अलग होते हैं, तो जैसे इनके कम्युनिटीज़ इनके रिसोर्स उसको एक्सेप्टेबल करें, उसी तरीके से नया एक्ट क्या किया गया, पास किया गया. फॉर दिस पर्पज मोर पावर्स आर गिवन टू द ग्राम सभा ऑफ दिस एरियाज एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मैनी रिस्पेक्ट. ठीक है, इस पर्पज़ के लिए क्या किया गया, जो ज़्यादा पावर्स है वो वहाँ की क्या की गई, ग्राम सभा को दी गई, और जो भी हमारी जो वहाँ के जो विलेज पंचायत हैं
बहुत सारे ऐसे वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत है, उनको बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिन पे अगर लॉज या उनके लिए उनको अप्लीकेबल करना है उस लॉज को, तो वहाँ के ग्राम सभा का उनको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज दैट लोकल ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज। ठीक है, वहाँ का क्या हो, जो लोकल ट्रेडिशन हो या जो वहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट हो, वो सब क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, जब भी क्या हो, मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज मतलब नया इलेक्शन हो। इस वजह से दिस इज़ ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये सब इसलिए किया गया ताकि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो क्या रहे, प्रिजर्व्ड रहे, और डिसेंट्रलाइजेशन का भी क्या रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने रहे। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को ये ज़रूरत होती है कि वो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करे, जो कि क्या हो, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए क्या रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। अर्लियर दिस टास्क वॉज परफॉर्म बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहले ये टास्क कौन करता था, कि पहले ये टास्क हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, जो कि किनके कंट्रोल पे काम करती थी, जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करती थी। नाउ द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज़ ऑटोनॉमस लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट है, उनकी पोजीशन को क्या कर दिया गया है, ऑटोनॉमस बना दिया गया है, जैसे कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के होते हैं। However, the election commissioner is an independent officer and is not linked to nor is this officer under the control of the election commission of India. जो हमारे election commissioner होते हैं वो एक independent body है, और वो कहीं से भी election commissioner of India के control में work नहीं करते हैं, या उनसे linked, उनके officer से linked नहीं होते हैं। Next है हमारे state finance commission। The government is also required to appoint a state finance commission once in 5 years. ठीक है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको क्या होता है, ज़रूरत होती है कि हर 5 साल में एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्या करें, अपॉइंट करें। This commission would examine the financial position of the local government in the state. ये कमीशन क्या वर्क करते हैं, ये कमीशन वर्क करते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन है उनको चेक कर सके, उनको अच्छे से एग्जामिन कर सके। इट वुड आल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑन द अदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ये भी देखते हैं, और रूरल और अर्बन एरिया में जो डिफरेंसेज हैं उनको भी देखते हैं कि रूरल में कैसे वर्क हो रहा है तो अर्बन में कैसे वर्क हो रहा है। दिस इनोवेशन इंश्योर्स दैट एलोकेशन ऑफ फंड टू द रूलर लोकल गवर्नमेंट विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मैटर। ठीक है, ये जो इनोवेशन है वो हमें ये विश्वास दिलाता है कि जो फंड एलोकेशन है रूलर लोकल गवर्नमेंट का, वो कहीं से भी पॉलिटिकल मैटर नहीं करता है। ठीक है, पॉलिटिकल का मतलब पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 74th अमेंडमेंट क्या कहता है। द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन एन अर्बन एरिया इज़ हैविंग। ठीक है, 74th अमेंडमेंट जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्बन एरिया के लिए है, तो जो हमारी इंडिया का सेंसस है वो अर्बन एरिया के लिए हमें बताता है कि अर्बन एरिया हम किसे कह सकते हैं, जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन क्या हो, 5000 हो, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ठीक है, और वहाँ के जो 75% आदमी है वो क्या होने चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होने चाहिए, वो ऐसा काम करते हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो। अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब हर 400 किलोमीटर पर क्या होने चाहिए, अरे हर स्क्वायर हर किलोमीटर पे कम से कम 400 लोग होने चाहिए। एज़ पर द 2011 सेंसस
प्रोविजनल डाटा अबाउट 31% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया, ठीक है, जो हमारी 2011 की सेंसस हुई थी उसने हमें बताया था जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 31% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अर्बन एरिया में रहती है। इन मैनी वेज द 74th अमेंडमेंट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्सेप्ट दैट इट अप्लाइज टू अर्बन एरियाज, ठीक है। 74th अमेंडमेंट जो है वो पूरा सेम टू सेम 73rd अमेंडमेंट की तरह है, बस उसमें एक डिफरेंस है कि वो क्या होता है, वो रूलर पे अप्लाई होता है तो ये हमारे अर्बन एरियाज पे अप्लाइड है। ऑल द प्रोविजन्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर and incorporated in the 74th amendment also and thus apply to nagarpalikas। जैसे वहाँ के elections होते हैं, जैसे reservations होते हैं, जैसे transfer of the subjects है, जैसे state election commission है, वो सब 74th amendment में भी होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, ये apply होता है हमारे नगर पालिका पर। The constitution also mandate the transfer of the list of function from the state government to the urban local bodies, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, constitution ने ये mandate किया है कि जो list of the function है वो state government क्या करेगी, urban local bodies को transfer करेगी। These function have been listed in the 12th schedule of the constitution, और ये subjects हमारे किस schedule में list किए गए, 12th schedule of the constitution में list किए गए। अब यहाँ पे next topic है हमारा implementation of 73rd and 74th amendment, जो 73rd and 74th amendment है उसका implementation कैसे हो रहा है। Today there are nearly 500 जिला पंचायत, अबाउट 6000 ब्लॉक एंड इंटरमीडिएटरी पंचायत, ठीक है। आज हम अगर देखें तो हमारे यहाँ कम से कम 500 जिला पंचायत है, 600 ब्लॉक और इंटरमीडिएटरीज पंचायत है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं रूरल इंडिया में, ठीक है, 2,50,000 ग्राम पंचायत इन रूरल एरियाज, कवर 100 सिटी कॉरपोरेशन, और वो कम से कम 100 सिटी को क्या करते हैं, कवर करते हैं, 1400 टाउन म्यूनसिपालिटीज़, 1400 क्या है यहाँ पे टाउन म्यूनसिपालिटीज़ हैं, ओवर 200 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया में क्या है कम से कम 200 नगर पंचायत है, मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दिस बॉडी एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में कम से कम यहाँ पे 32 लाख मेंबर्स को क्या किया जाता है, चुना जाता है। ऑफ दीज एट लीस्ट 10 लैक्स आर वुमेन्स, और इसमें से कम 10 लाख क्या है, वुमेन्स हैं। विथ लोकल बॉडीज़ द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, और ये क्या हो रहा है, आज इनके नंबर्स क्या हैं और रैपिड स्पीड में क्या हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। देयर आर एट लीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन अ जिला पंचायत, जिला पंचायत में कम से कम 200 वुमेन्स क्या हैं अध्यक्ष के पोस्ट पे हैं। Another 2000 वुमेन्स हु आर प्रेजिडेंट ऑफ द ब्लॉक और तालुका पंचायत, कम से कम 2000 वुमेन ऐसी हैं जो कि तालुका पंचायत या ब्लॉक पंचायत में क्या है, प्रेजिडेंट के पोस्ट पे हैं। एंड मोर देन 80,000 वुमेन सरपंच इन ग्राम पंचायत, और 80,000 से भी ज़्यादा महिलाएं क्या हैं ग्राम पंचायत में सरपंच की पोस्ट पे हैं। मोर देन 30 वुमेन्स मेयर्स इन कॉरपोरेशन, 30 से भी ज़्यादा महिलाएँ क्या हैं अलग अलग कॉरपोरेशन में मेयर्स की पोस्ट पे हैं। ओवर 500 वुमेन अध्यक्ष ऑफ टाउन म्यूनसिपैलिटीज़, 500 वुमेन क्या है, 500 से भी ज़्यादा वुमेन्स क्या हैं टाउन म्यूनसिपैलिटीज़ में अध्यक्ष हैं। नियरली 650 नगर पंचायत हेडेड बाई वुमेन, और क्या है 650 से भी ज़्यादा ऐसे नगर पंचायत है जिनको कौन हेड करती हैं, जिनको हमारी वुमेन हेड करती हैं। द इंडिया पॉपुलेशन हैज़ 16.2% शेड्यूल कास्ट एंड 8.2% शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में टोटल 16.2 क्या है शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और 8.2 शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स इन द अर्बन एंड लोकल बॉडीज
हेल फ्रॉम दीज टू कम्युनिटीज़। और हमारे जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें से कम 6.6 लाख ऐसे मेंबर्स हैं जो इन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल कंक्लूज़न देखते हैं इसका क्या है। द एक्सपीरियंस सजेस्ट द लोकल गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी एजेंसीज इम्प्लीमेंट्री द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बनाने का या बनाने के बाद हमें क्या देखने को मिला है कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं और जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑफ़ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं, गिविंग मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट मीन्स दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, आप अगर लोकल गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा पावर देते हो उसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, उतना ज़्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी मीन्स दैट पावर शुड बी शेयर्ड बाई द पीपल, पीपल इन द विलेज एंड अर्बन लोकेलिटीज मस्ट हैव द पावर टू डिसाइड वॉट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दे वॉन्ट टू अडॉप्ट। ठीक है, इसमें बता रहा है कि सिंपल एंड सीधा मतलब है डेमोक्रेसी का कि आप पावर को इस वे में शेयर करो कि जो अर्बन लोकल के लोग हैं या विलेज के लोग हैं उनको ये ऑथोरिटी मिले, उनके पास ये पावर रहे कि वो ये डिसाइड कर सके कि उनको कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम को अडॉप्ट करना है और कौन सी पॉलिसीज या प्रोग्राम को अडॉप्ट नहीं करना है। डेमोक्रेसी मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, मतलब शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पावर किसको दो, आप अपनी आम जनता या लोकल ऑर्डिनरी पीपल्स को दो। बट द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट मियरली इन द लीगल प्रोविज़न बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दोज प्रोविजन्स। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी की जो सही बात है और सही उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोविज़न से नहीं हो सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली में उन प्रोविज़न्स पे वर्क करना पड़ेगा, उनको रियली में प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी हम एक्चुअली में सही डेमोक्रेसी का मतलब निकाल पाएंगे और सही डेमोक्रेसी अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT के नोट्स परचेस करने हो तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आप UPSC से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।